वचन। बच्चों, यह एक बाजार का दृश्य है। यहाँ कई दुकानें हैं। एक दुकान में भीड़ हो रही है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद रहा है। दो बच्चे तीन तीन गुब्बारे लेकर जा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़कर समझिए। दुकानें, बच्चे तथा गुब्बारे शब्द संज्ञा में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। दुकान, बच्चा तथा गुब्बारा शब्दों से संज्ञा में एक होने का पता चलता है। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का पता चलता है, व्याकरण में उस रूप को वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एकवचन, बहुवचन। एकवचन संज्ञा शब्द का वह रूप जिसके आधार पर किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी को एक के रूप में ग्रहण किया जाता है, एकवचन कहलाता है। जैसे कलम, किताब, तोता, चिड़िया, झूला आदि। बहुवचन संज्ञा शब्द का वह रूप जिसके आधार पर वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों को अनेक के रूप में ग्रहण किया जाता है, बहुवचन कहलाता है। जैसे कलमे, किताबें, तोते, चिड़िया, झूले आदि। एकवचन बहुवचन पत्ता, पत्ते, लड़का, लड़की, चूहा, चूहे, घोड़ा, घोड़े, खिड़की, खिड़कियां, साड़ी, साड़ियां, रोटी, रोटियां, नारी, नारियां, रचना, रचनाएं, धातु, धातुएं, भाषा, भाषाएं, कविता, कविताएं, आंख, आंखें, दवात, दवातें, मेज, मेजें, रात, रातें। हमने सीखा, भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द एक या अनेक के रूप में ग्रहण किया जाता है। एक के रूप में ग्रहण किए जाने वाले शब्द एक वचन में तथा अनेक के रूप में ग्रहण किए जाने वाले शब्द बहुवचन में होते हैं।